दोस्तों आप जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाले हैं। आपने अपने करियर के बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोचा होगा, लेकिन क्या आपने एक ऐसे करियर के बारे में सोचा है जिसमें आपको अच्छे पैसे तो मिलते ही हों, साथ में नाम, शोहरत, ग्लैमर और रोमांच ये सब भी साथ में मिले, जिसमें आप अपने देश और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें। जी हाँ, मीडिया में करियर एक ऐसा ही करियर है जो आपको ये सब दे सकता है। जरा कल्पना कीजिए कि आपको लाखों दर्शक देख रहे हैं। नमस्कार, वीडियो जर्नलिस्ट पंकज तोमर के साथ मैं नीरज गुप्ता इस वक्त हूँ चिरांग जिले के एक राहत शिविर में। आपकी एक खोजी रिपोर्ट ने राज्य में तहलका मचा दिया है। एक ऐसी स्थिति के बारे में सोचिए जहां आपके द्वारा लिखे लेख ने कई लोगों को खुशी प्रदान की है। आपके द्वारा डिजाइन किए गए एक विज्ञापन या सामाजिक मार्केटिंग संदेश से समाज में क्रांति आ गई है। आप ऐसा जनसंपर्क अभियान बनाते हैं जो कंपनी या संस्थान को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। आपकी विकास रिपोर्टिंग हजारों लोगों के अंधेरे जीवन में आशा की किरण बन जाती है। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए मीडिया में करियर, और मीडिया में करियर बनाने के लिए आपको मास कम्युनिकेशन के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन लेना होगा, और सबसे जरूरी बात, सही और सर्वोत्तम मीडिया स्कूल का चुनाव करना। गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा में जन संचार में मास्टर कोर्स प्रदान करने में अग्रणी रहा है। संचार प्रबंधन व तकनीकी विभाग न केवल हरियाणा में मीडिया का सर्वोत्तम स्कूल है, बल्कि ये पूरे उत्तर भारत में जाना पहचाना जाता है। इसकी फैकल्टी बहुत ही योग्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वोत्तम है, और यहाँ पढ़ाए जाने का जो तरीका है उसमें सभी विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए यहाँ एक सुसज्जित स्टूडियो है। विद्यार्थियों को आईटी सहायता प्रदान करने के लिए मल्टीमीडिया लैब है। फोटोग्राफी में ट्रेनिंग देने के लिए स्टिल इमेजरी लैब है। सुसज्जित कक्षाएं हैं और अलग से रीडिंग रूम भी है। वैसे तो यह जनसंचार में एमएससी कोर्स है, लेकिन वास्तविकता में यह मीडिया मार्केटिंग के लिए विद्यार्थियों के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम है। यू विल गो टू अ डॉक्टर ओनली वंस यू फॉल सिक, बट यू आर डेफिनेटली गोइंग टू फॉल सिक इन केस यू डोंट गो थ्रू द मॉर्निंग न्यूज़पेपर और द ईवीटीवी इवनिंग टीवी एंटरटेनमेंट। फ्रेंड्स, इट इज दिस मिस्टेक नेचर ऑफ मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट दैट ड्रू मी टू द कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एट गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी। द लास्ट टू ईयर्स स्पेंड हियर हैव बीन मोस्ट एडिफाइंग, gratifying, and has definitely made me a better learned person. The staff here, I would say, are very erudite, most professional in the subject, and are ever willing to lend a helping hand to all the students. मैं ज्योति सांगवान, MSc Mass Comm, first year student. जब करियर चुनने की बात आई तो मैंने सोचा कोई ऐसा फील्ड चुनूं जिसमें शान और शोहरत के साथ साथ देश और समाज के लिए भी मैं कुछ कर सकूं। तो जो सबसे पहला विकल्प मेरे दिमाग में आया वो था पत्रकारिता, और एक पत्रकार बनने की चाह मुझे लेकर आई गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के मास कॉम डिपार्टमेंट में, जो कि एक अच्छा पत्रकार बनाने के लिए सभी सुविधाओं से परिपूर्ण है, सभी सुविधाएं जिसमें मौजूद हैं। जीडी और डिबेट जैसी कोकुरिकुलर एक्टिविटीज से हमारे कॉन्फिडेंस लेवल, हमारे कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही साथ समय समय पर सेमिनार आयोजित करवाए जाते हैं जिसमें हमारे डिपार्टमेंट से पास आउट स्टूडेंट्स, जो कि मीडिया जगत में एक प्रतिष्ठित नाम रखते हैं, उनसे रूबरू होने का हमें मौका मिलता है। विद्यार्थियों को 5 कोर विषयों में विशेषज्ञता प्राप्त करने का विकल्प दिया जाता है। 1, प्रिंट मीडिया। रिपोर्टर के रूप में काम करने के लिए, समाचार पत्रों और मैगजीनों में उप संपादक के रूप में काम करने के लिए। 2, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। रेडियो, टीवी और प्रोडक्शन हाउसों में रिपोर्टर, एडिटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के रूप में काम करने के लिए। 3, विज्ञापन मैनेजमेंट, विज्ञापन एजेंसियों में विजुअलाइजर, कॉपीराइटर, मीडिया प्लानर के रूप में काम करने के लिए। 4, जनसंपर्क और कॉरपोरेट संचार। सरकारी और कॉरपोरेट क्षेत्र में जनसंपर्क अधिकारी, संचार अधिकारी के रूप में काम करने के लिए। 5, सामाजिक मार्केटिंग और विकास संचार। सरकारी और कॉरपोरेट क्षेत्र, एनजीओ क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे नेको, यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र की अन्य संस्थाओं में संचार रणनीतिक, मीडिया प्लानर, संचार अधिकारी के रूप में काम करने के लिए। पहले ही दिन में विद्यार्थियों को विभागीय समाचार पत्र प्रिंट करने की ट्रेनिंग दी जाती है।
इसके अलावा विद्यार्थियों को स्वयं ही डॉक्यूमेंट्री, रेडियो कार्यक्रम, टीवी इंटरव्यू, सामाजिक मार्केटिंग अभियान, जनसंपर्क अभियान और विज्ञापन अभियान बनाना जरूरी है। दोस्तों, विभाग के विद्यार्थी कई अच्छी संस्थाओं में काम कर रहे हैं। विभाग में प्रवेश लेना निश्चित रूप से एक समझदार निवेश है। विभाग के कई विद्यार्थी कई प्रतिष्ठित संस्थाओं में काम कर रहे हैं, जैसे IBN 7, जी न्यूज, डीडी न्यूज, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जनसंपर्क निदेशालय हरियाणा सरकार, हिंदुस्तान टाइम्स, यूनिसेफ, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, पंजाब केसरी, राजस्थान पत्रिका और हरिभूमि। नई दिल्ली में शायद ही ऐसा कोई संस्थान होगा जहां विभाग के विद्यार्थी पढ़ा नहीं रहे हैं। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, MIT विश्वविद्यालय आदि शामिल हैं। मैं अनुपमा MSc मास कम्युनिकेशन फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। ट्रेडिशनल करियर ऑप्शन से अलग फेम और ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए मैंने इस कोर्स को चुना है। इसके लिए हमारे टीचर्स हमें हर वक्त एनकरेज करते हैं, जिसके लिए हमें स्टूडियो में डॉक्यूमेंट्री बनाना और मल्टीमीडिया लैब में काम करना सिखाया जाता है, जिससे हम अपने आने वाले भविष्य के लिए अभी से तैयार हो सकें। हमारे ही डिपार्टमेंट से पास आउट हमारे सीनियर्स जो इस वक्त इंडस्ट्री में हर लेवल पे काम कर रहे हैं, उनसे हमें टाइम टाइम पे मिलाया जाता है, जो हमें मोटिवेट करता है। कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें प्रैक्टिकल को अधिक महत्व दिया जाता है। पूरा कोर्स ही पारिवारिक वातावरण में चलाया जाता है। मैं रूबी महला गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की MSc मास कॉम की छात्रा हूँ। कुछ हटकर करने की तमन्ना मुझे यहाँ लेकर आई है और अब मुझे लगने लगा है कि मैं जल्दी ही अपने आप को एक अच्छे पत्रकार के रूप में तैयार कर पाऊंगी, क्योंकि यहाँ हमारा डिपार्टमेंट में एक पूरी तरह से पारिवारिक माहौल है, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ है। हमारे डिपार्टमेंट में हमारे स्किल्स को निखारने के लिए बहुत से काम करवाए जाते हैं, जैसे कि हमें वीकली राइटअप दिया जाता है, यहाँ हमें न्यूज़ लिखने व बोलने की कला सिखाई जाती है। जब मैं मीडिया से जुड़ा तो मेरे अंदर आत्मविश्वास कि मैं जो कमी थी वो दूर हुई और मैंने बहुत सारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें भी अपना विशेष योगदान दिया और इसके अनुरूप मास कम्युनिकेशन में जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनका अहम योगदान होता है सांस्कृतिक प्रोग्राम में। स्थानीय मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया और यहाँ तक कि ग्रास रूट मीडिया के साथ नियमित रूप से बातचीत के द्वारा विद्यार्थियों को मीडिया मार्केट की जमीनी सच्चाइयों से अवगत कराया जाता है। हमारे विभाग के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि अभी अभी विभाग का जी न्यूज कॉरपोरेशन के साथ एक कोलैबोरेशन साइन हुआ है, जिसके तहत कोई भी विद्यार्थी जो यहाँ ना एडमिशन लेगा उसे एक साल का प्रशिक्षण जी न्यूज प्रदान करेगा। इसके तहत विद्यार्थी किसी का इंटरव्यू कर सकते हैं, कोई समाचार लेखन कर सकते हैं, विचार लेखन कर सकते हैं, फीचर लेखन कर सकते हैं, आलेख लेखन कर सकते हैं और हरियाणा से संबंधित कोई भी स्टोरी बना करके, चाहे उसका ऑडियो हो, विजुअल हो, ऑडियो विजुअल हो, टेक्स्ट हो, उनके पास भेज सकते हैं। जी का अपना एक पोर्टल भी शुरू हुआ है जिसमें ये सारे ऑडियो विजुअल टेक्स्ट सारे दिखाए जा सकते हैं और विद्यार्थी क्या जो कार्यक्रम बहुत अच्छा होगा, उत्कृष्ट होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, उसको जी न्यूज पर प्रदर्शित भी किया जाएगा और साथ साथ विद्यार्थियों को एक साल का वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उनको फेस टाइम दिया जाएगा, बाईलाइन दिया जाएगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थी बहुत लाभान्वित होंगे, उनको एक प्रेरणा मिलेगी, उत्साहवर्धक है। अगर आप सोचते हैं कि आप अच्छा लिख सकते हो, अगर आज की सामाजिक स्थिति आपको परेशान कर रहा है, आपको लगता है कि आपका समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर्तव्य है, तो पत्रकारिता में करियर आपके लिए सही चुनाव है। और आज के दिन में पत्रकारिता के करियर में अपार संभावना है, क्योंकि 90,000 से ज़्यादा समाचार पत्र है, हजारों टीवी चैनल है, हजारों प्रोडक्शन हाउसेस है, रेडियो चैनल भी हजारों संख्या में है। कमी है सही काम करने वालों का। हमारे यहाँ का विद्यार्थी मीडिया का क्षेत्र में टीवी चैनल के नाम लो या समाचार पत्र के नाम लो या शिक्षा अनुष्ठान के नाम लो, हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ दाखिला लीजिए, आपका कड़ी मेहनत और हमारा विभाग का प्रशिक्षण
आपको निश्चित रूप से एक सफल पत्रकार बनाएगा। कोर्स की अन्य महत्वपूर्ण बात है इसमें शामिल सेमिनार और कार्यशालाएं जिनका आयोजन समय समय पर किया जाता है। मेरा इंटरेस्ट हमेशा से ही मीडिया लाइन में रहा है और इस डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के बाद मुझे यह लगा कि मुझे वो प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहाँ से मैं आसानी से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ समय समय पर बहुत से सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ आयोजित की जाती हैं। मैंने यहाँ आने के बाद अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स और राइटिंग स्किल में काफ़ी सुधार किया है। हमें यहाँ पर समय समय पर अनेक प्रकार की गतिविधियाँ करवाई जाती हैं, जैसे न्यूज़ रिकॉर्डिंग, न्यूज़ राइटिंग, न्यूज़ प्रेजेंटेशन, टॉक, जिससे हम काफ़ी कुछ सीख पाते हैं। और मैं भी यहाँ पर अपना एक लक्ष्य लेकर आया हूँ, मैं यहाँ रेडियो संवाददाता बनने आया हूँ और मैं यहाँ आने के बाद मुझे विश्वास हुआ कि मैं ये कर पाऊंगा। अध्यापक सबका ध्यान रखते हैं और इसी माहौल में पढ़ाया जाता है। यहाँ पर ट्रेनिंग बिल्कुल ही पारिवारिक वातावरण में प्रदान की जाती है। विभाग आपके व्यक्तित्व को बदल देता है, आपके बोलने और लिखने के संचार कौशल में सुधार करता है। इतना ही नहीं, कक्षाओं की पढ़ाई के अलावा आपके लिए करने के लिए कई सारी विभागीय गतिविधियाँ भी होती हैं। सीधी सी बात है, मीडिया में सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। विद्यार्थियों को सीखने के लिए तैयार होकर आना चाहिए। सीखिए और सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए। यह विभाग आपको सभी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए तैयार है। सागर पार नहीं हो सकता नाव पर निर्भर रहकर, बाहों को पतवार बना लो तो फिर साहिल दूर नहीं, तो फिर साहिल दूर नहीं।